नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। आज की कहानी देवाशीष की है और ये आई है मुंबई से। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में चमत्कार जब छोटे होते हैं तो उसे यहाँ पर ना निराश नहीं होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ छोटे चमत्कार हो रहे हैं। ईश्वर कुछ बड़ा हमारे लिए नहीं कर रहे, हमारे लिए कुछ ऐसा अच्छा नहीं सोच रहे जैसा कि हमारे किसी रिश्तेदार के लिए सोचा हुआ है, जैसा कि हमारे किसी जानने वाले के लिए देखा हुआ है। हमारी ज़िंदगी में बदलाव होंगे ही नहीं, ये वाली बातें ना सब निकाल देना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ये जो छोटे छोटे चमत्कार हो रहे हैं, एक बड़े टारगेट को अचीव करने वाले हो। जल्दी चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आज की कहानी हो सकता है कि आपको मोटिवेट करने पर, अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, वो मजबूर कर दे कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है बहुत बेहतर आने वाला है वक्त। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो कुछ आपके लिए खास है। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी वही रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। जय शनिदेव, आपका नाम, आपकी जगह। और देखिए, मैं हर बार कहता हूँ कि आप मेरी कहानियों को ना एक समय व्यतीत करने के लिए कहानी मात्र देखो, समझो, लाइक डिसलाइक करो, इट्स अप टू यू, आपका जो मन करता है। लेकिन एक बात को ना सच मान लेना, कहानी सुनने के बाद भी और पहले भी, कि इंसान अगर ईश्वर की भक्ति कर रहा है तो ज़िंदगी में चमत्कार ज़रूर होगा। अभी फ़िलहाल कहानी पर आते हैं। कहानी मुंबई से और भेजी है देवाशीष ने। इनकी जो धर्मपत्नी है स्वाति, इनके आने के बाद से इनकी ज़िंदगी में बदलाव होने शुरू हो गए। परिवार से मिलवाता हूँ। देवाशीष अपने माता पिता और एक छोटी बहना के साथ रहते थे, और क्योंकि इनकी शादी तय हो चुकी थी तो घर में एक उत्साह का माहौल था, घर में खुशियाँ थी। लेकिन एक बड़ी अजीब सी विडंबना थी कि इनके घर में आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा नुकसान कह सकते हैं होना शुरू हो गया था। इन्हें समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, शादी को सिर्फ और सिर्फ 15 दिन रह गए हैं और हम करें तो क्या करें, ये हम पर क्या किसी की नज़र लग गई। जो इनकी माताजी हैं, देवाशीष की जो माताजी हैं, वो हर चीज़ पर भरोसा करती हैं, भले ही कोई उनको कुछ तरीका बता दे टोटके को उतारने का, वो आजमा लेती हैं। अगर किसी ने कह दिया कि कोई बाहरी ताकत, कोई तीसरी शक्ति, कुछ प्रेत आत्मा, तो उसका भी ये मतलब एक तरह से निवारण करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछती हैं, तो उनके मन में डर भय जल्दी घर कर लेता है। तो इनके घर में जब ये बार बार ऐसा कुछ हो रहा था, तो इन्होंने अपने किसी जानने वाले से ये बात पूछी कि हमारे घर पर क्या किसी की कोई बुरी नज़र है, मतलब कुछ अजीब सा हो रहा है, 10-15 दिन में काफ़ी उतार चढ़ाव हुए, नुकसान ज़्यादा हुआ। तो उसने जो जानने वाला है एक पंडित जी के बारे में बताया कि आप एक काम करिए भाई, बहू के आने से पहले बेटे की जन्मपत्री जो है एक बार उन पंडित जी को दिखा लीजिए, वो एकदम सटीक बात कहते हैं, और जो वो बताएंगे वो इसकी ज़िंदगी में अगर ये ट्राई करेगा, अप्लाई करेगा, तो ये कहीं से कहीं पहुँचेगा। हमने देखा है, उन्हें जानते हैं, और हाँ, मेरा कोई जानने वाला था, उसकी ज़िंदगी में सिर्फ 3 महीने में इनके बताए उपचार से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं कल सुबह जाती हूँ। जब ये कल सुबह के लिए निकल रही थी तो इनकी एक भारी सोने की चेन मिसिंग थी, घर में ना जाने किधर गई, कहाँ गई, नहीं मिल रही। शादी का घर है, थोड़े से लोग ज़्यादा भी आए हुए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि रिश्तेदारों के आप बैग खोल कर देख लोगे कि भाई कौन चोर है, कौन ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है, कभी कभी हम ही खुद रख कर भूल जाते हैं। देवाशीष ने कहा कि माँ जी, कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल रही तो शादी के बाद देखते हैं, घर में जब ढूंढ ढांड करेंगे तो कहीं क्या पता मिल जाए, लेकिन हम रिश्तेदारों से नहीं कह सकते, तो मैं क्या करूँ। आप भूल जाओ, पहले तो आप जहाँ जा रहे थे पंडित जी के, वहाँ चलो और दिखा लो आप जन्मपत्री। वैसे मेरे को ऐसा लगता है नहीं कि इसकी ज़रूरत है, ना जाने आप इतने व्यस्त माहौल में से ये समय क्यों निकाल रही हो। उन्होंने कहा मेरे मन के लिए बस तू मेरे साथ चल, और उन्हें बस जन्मपत्री दिखाएंगे, 10 मिनट में आ जाएंगे। जो लोग जन्मपत्री, भाग्य और क्या कहते हैं, ग्रहों पर विश्वास नहीं करते, आप अभी यहाँ वीडियो छोड़कर जा सकते हो, आपका डेटा और टाइम मैंने यहीं से बचा दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ चमत्कार होते हैं, ये असर करती हैं, ठीक है, जो आप राशि की अंगूठी पहनते हो, या आपको किसी ने बताया कि लोहा सूट करता तो लोहा पहनना शुरू कर दो, अगर आप पहनते हैं तो आगे की वीडियो देखिएगा, आपके लिए है। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई परिवर्तन हो, कोई चमत्कार हो, तो आगे की वीडियो आपके लिए है। और जो ना चाहते हो
तो मैंने बता ही दिया कि आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हो। कुछ अच्छा देख लो, बेहतर देख लो, जिससे चेहरे पर मुस्कुराहट आए, है ना, या कुछ ऐसा देख लो जो कि बताए कि आम खरीदो तो भूत आ गया, अमरूद खरीदो तो भूत आ गया, क्योंकि मैं वो कहानियाँ नहीं सुनाता हूँ, ना मुझे उस तरह से आती कहानियाँ सुनानी, मैं जैसे सुनाता हूँ ऐसे ही ठीक है। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, काफ़ी है, मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, 2 दिन का काम होता है बस वो, इतना तो मैं जानता हूँ यूट्यूब, मुझे परिवार चाहिए, चाहे इसमें साल भर लगे 2 साल लगे, पहुँचेंगे वहाँ तक, लेकिन ऐसे नहीं पहुँचना मुझे, जैसे पहुँच रहे हैं ऐसे ही ठीक है। खैर भैया, कहानी आगे की सुनाता हूँ। होता क्या है कि देवाशीष और इनकी जो ममा है ये पहुँचते हैं उन पंडित जी के पास। अच्छा, मैं आपको देवाशीष का व्यापार तो बता ही नहीं पाया, इसका जूतों का व्यापार है। और हाँ, ये पिता के साथ यहाँ पर तकरीबन शॉप पर 3 साल से आ रहा है, तो थोड़ी बहुत अभी से नॉलेज है। इसने पढ़ाई में MBA तो करा था, लेकिन पढ़ाई रिलेटेड उस व्यापार में अपनी बुद्धि लगा नहीं पा रहा, या लगाना नहीं चाहता, ये भी कह सकते हैं। जो पिता का एक्सपीरियंस है, जो पिता का तजुर्बा है, आप सिर से लेके चोटी तक का जोर लगा दो, उसकी बराबरी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। आपके वो पिता हैं, ज़्यादा पढ़ने से आप उनके पिता नहीं हो जाओगे, रहोगे तो उनकी औलाद ही। अब इसने बहुत कोशिश करा, जब व्यापार में इसका मन बस ऐसे ही लग रहा है कि सुबह दुकान चले गए, रात को घर आ गए, 2, 4, 5, 50 जो सामान बेच लिया, कुछ नया नहीं। पिता और माँ ने भी यही सोच लिया कि भाई ठीक है, भाई अपना घर का व्यापार है, अगर इसे ही ये कंटिन्यू रखेगा तो भी दलदलिया चलता ही रहेगा। ये पहुँचते हैं पंडित जी के पास और देखते हैं जब वो जन्मपत्री, तो कहते हैं कि बेटा आप अभी व्यापार क्या कर रहे हो, या कोई नौकरी है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई नौकरी तो नहीं, मतलब हाँ व्यापार है अपना, जूतों का बिजनेस है। उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए है ही नहीं, मतलब तो क्या मैं कल से दुकान जाना बंद कर दूँ? नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं कहा, आपकी जो ये मैं जन्मपत्री देख रहा हूँ, इसमें आप पर ना शनि की बहुत कृपा है, आप शनिदेव की पूजा करते हो? नहीं, मैं किसी की भी पूजा नहीं करता, बट हाँ कभी कभी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चला जाता हूँ, वो मम्मी बोलती हैं तो प्रसाद चढ़ाने के लिए। अच्छी बात है, आप जाओ, बालाजी के जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप शनि मंदिर जाते हो? नहीं, आप बार बार शनि कह रहे हो, ऐसे तो मुझे डर लगेगा। डर किस से लग रहा है आपको, आपको किस बात से? उन्होंने कहा मैं जानता हूँ, मैंने कुछ किस्से कहानियाँ सुनी हैं, और जिन पर उनकी नज़र पड़ती है बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक सुना है, आप अभी जहाँ हो आप वहाँ से बहुत आगे तक पहुँच सकते हो, लेकिन आपको शनि की आराधना करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं तो इसलिए आया था कि मम्मी ने बताया हमारे घर में बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, परेशानियाँ हो रही हैं। उन्होंने कहा संकेत है ये, आपके घर में कोई बड़ी विपदा थी, कोई बड़ी बला थी जो कि छोटी मोटी परेशानियों में टल गई। हाँ, जो अम्मा जी ने बताया कि सोना खोया है, तो ये खोया और पाया दोनों ही अशुभ होता है, तो उसके निवारण के लिए आप घर में ही, मैं ये नहीं कहूँगा किसी पंडित जी को बुलाकर पूजा करवाओ, कुछ पैसे खर्चो, घर में ही एक बार आप धूमी कर देना थोड़ा सा, ठीक है, और एक बार पूरे घर में सभी लोग मिलकर अगर करें तो बेहतर है, हनुमान चालीसा कर देना, और बेटा तुम शनि चालीसा भी करो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा तुम्हारे लिए। आप पंडित जी ठीक है, आप जो बताना मम्मी को बताओ, मम्मी मैं बाहर हूँ, ज़रा फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, ये तो बाहर चला गया। इसने उस बात को रत्ती भर भी अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया कि आपको ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, आपका वक्त बदल सकता है। खैर कोई बात नहीं भैया, शादी के 2 दिन पहले इनके पिता के फ्रैक्चर हुआ, पिता चलने उठने लायक नहीं हो रहे, बड़ी समस्या है घर पे, जो बड़ी परेशानी है ये बढ़ती जा रही है। पिता का उठना बैठना बिल्कुल ही बंद है, वो बस ये मानिए कि खाट पकड़ कर लेट गए हैं, दिक्कत है। शादी को पोस्टपोन करने की बात आती है तो मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं, और कुछ लोगों की मदद से, लेकिन ये भी शादी में जाएंगे ज़रूर। बेटे ने भी अपने पापा का साथ दिया और कहा कि मैं आपको लेकर चलूँगा, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी विधि विधान से जो काम होता है वो आपके माध्यम से ही होगा, जो कि आप करोगे, ठीक है, आप निश्चिंत रहो, आराम से बैठो, आराम से लेटो, मैं आपको अपने साथ ही रखूँगा, मैं ऐसा नहीं कि आपको यहाँ छोड़ कर जाएंगे, आप भी चलोगे। पिता ने बहुत बार कहा कि तुम सब जाओ, कि भाई मुझे कहाँ कहाँ उठाए फिरोगे, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी कि नहीं पापा जाएंगे तो शादी होगी। पापा की आंखों में आंसू हैं बेटे का प्यार देखकर, लेकिन वो एक बार चिंतित भी हैं कि जो उन्होंने बताया कि आपको लोहे का व्यापार करना चाहिए, लोहे से जुड़ा काम करना चाहिए, इसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। व्यापार को आप बढ़ाओ तो और बढ़ता है, लेकिन कोशिश तो करो, कहते हैं ना कि कुएं का जो मेंढक है
उसके लिए सागर का कोई महत्व होता ही नहीं है। या ये भी कह सकता हूं कि कुएं के मेंढक के लिए सागर या नदी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, क्योंकि उसने जो देखा वही संपूर्ण दुनिया है। बाहर क्या है हमें क्या पता, हमारे लिए तो यही पूरी दुनिया है, है ना। तो इसीलिए कुएं के मेंढक वाली कहानी सुनी आपने? आप कहोगे कि बीच में जो बात बोलकर सुनाकर थोड़ा सा चला जाता है कि वो वाली कहानी नहीं आती है फिर। ऐसा मेरे पास मैसेज आया था, वो कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दिया करो ना, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। ये आईडी मेरी है, ठीक है, आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो। और होता क्या है कि जब ये शादी के स्थल पर पहुँचे तो जो वाइफ है, होने वाली वाइफ, उन्हें भी पता पड़ा कि जो पिताजी हैं वो भी आए हैं। और वो सबसे पहले मतलब ऐसा नहीं कि भाई बहू है नहीं आ सकती, मिल नहीं सकती शादी से पहले कि भाई क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्यार भाव है, बिटिया अपने पापा से मिलने आ रही है। वो आती है, इनके पैर छूती और कहती है कि आप मतलब ऐसी परेशानी उठाकर आए हो, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है पापा जी कि मैं क्या कहूँ। उन्होंने कहा, बिटिया मेरे से रहा नहीं गया, पहले तो मैं चाह रहा था कि नहीं आऊँ, लेकिन मन में हल्का सा तो था कि भाई शादी है, मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, आप आए बहुत अच्छा रहा। इनके लिए एक प्रॉपर अच्छी जगह बनाई जहाँ से ये पूरे मतलब शादी समारोह को देख सकते हैं। शादी अच्छे से संपन्न हुई, कोई समस्या नहीं हुई, एक रुपए की भी कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ और बहुत बेहतरीन हुआ, फैंटास्टिक। घर आते हैं, घर आने के बाद पिता अगले दिन बहुत ज़्यादा पेन महसूस करते हैं, तो इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पता चलता है कि इनके पैर में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से इन्हें बिल्कुल भी अब स्ट्रेस नहीं लेना है, पैर पर वज़न नहीं लेना है, और अगर दुकान पर भी बैठना चाहते हैं तो पैर को ये मोड़ नहीं सकते, फोल्ड नहीं करेंगे, ठीक है, तो सीधा ही रखना है। यानी अब दुकान पर उठना बैठना, बहुत ज़्यादा काम करना थोड़ा संभव नहीं है। पिता जो हैं चिंतित हैं कि ये बेटा आगे कंटिन्यू कैसे करेगा। इनके घर में एक समस्या और आ गई, क्योंकि पिता दुकान नहीं जा रहे थे, बेटा ही दुकान देख रहा था। और बेटे के डीलिंग में और पापा के डीलिंग में बहुत फ़र्क था, वो तजुर्बेकार हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो ग्राहक को जानते हैं, पहचानते हैं कैसे डील करना है। बेटा जो है ठीक है, कोई आया ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मतलब हमें कोई दिक्कत थोड़ना है। ये इस रवैये के साथ दुकान चला रहा था, जो कि 6 महीने बाद समस्या हो गई। दुकान पर धीरे धीरे लड़के कम हुए, उन्होंने भाई देखा कि जो जॉब है इसमें कोई तरक्की नहीं हो रही। जो बाबूजी आते थे वो तो 100-500 बढ़ा देते थे, कभी कभी महीने में इनाम मिल जाता था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और ये जो भैया हैं इनका रवैया भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, बात करते हैं तो कभी कभी डांट देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी गुस्सा आ जाता है इन्हें। लड़कों ने भी धीरे धीरे दुकान छोड़ दी। अब इसके पास कहने को सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कि दुकान पर इसकी मदद करते हैं। ये इतने साल से दुकान पर आ रहा है, लेकिन इसे 6 नंबर कौन सा है, 8 नंबर कौन सा है, 21 कौन सा हुआ, कुछ अता पता ही नहीं है। वरना जो हुनरदार हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो तो पैर देखकर साइज़ बता देंगे कि आपने क्या जूता पहनना चाहिए और आपको कौन सा सही लगेगा, है ना। आपकी हाइट, पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप क्या मतलब जूता चप्पल जो पहनते हो। इसे बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। और जो पिता हैं वो मानिए कि जब ये तकरीबन 13-14 साल के थे तब से इस काम को करते आ रहे हैं, तब से इन्हें इस चीज़ का ज्ञान है, तो ये तो आँख बंद करके बता दें कि सामने वाले ने क्या पहनना है। खैर, ये दुकान पर आता है तो ये जो दुकान है इसके लिए एक आकर ये बोलता है कि हम आपकी दुकान के इतने पैसे दे सकते हैं, हमें यहाँ एक बहुत बेहतरीन शोरूम बनाना है, 3 दुकान हम खरीद चुके हैं, एक आपकी और है, नहीं तो हम दुकान नहीं बेचना चाहते। नहीं, देख लीजिए आप कोई और व्यापार, मतलब देख लीजिए कहीं और दुकान देख लीजिए, हम या भाई हम आप जो पैसे मांग रहे हो वो देंगे आपको, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ठीक है अपने पापा से बात करके बताऊँगा। पापा से इसने जाकर पूछा तो पहली बात वो मेहनत से खड़ी करी दुकान, उसे तो तुझे पूछना भी नहीं चाहिए था, मूर्ख आदमी। और ये बात इनकी धर्मपत्नी को बड़ी अजीब लगी कि ये क्या पूछ रहे हैं, मतलब जिससे घर परिवार चल रहा है उसको बंद करना, उसको बेचना चाह रहा है। इनके पिता के जवाब देने से पहले पत्नी ने जवाब दे दिया कि पापा जी आपकी अगर परमिशन हो तो मैं कुछ कहना चाहूँगी। हाँ बिटिया बोल ना, तू गुड़िया है घर की, बोल बोल। देखो अगर आपको कोई दूसरा व्यापार समझ आता है तो आप उसी जगह से व्यापार करो ना। आपको अगर लग रहा है कि इसमें मैं नहीं कर पा रहा तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अच्छा नहीं कर रहे, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जो कर रहे हो सबके लिए अच्छा ही है, लेकिन अपनी जगह को बेचा नहीं जाता। या आपने जो एक बार चीज़ खरीदी जब बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी हो जाए ना, सिर पर एकदम से पहाड़ टूट जाए, तब तो समझ आता है कि मजबूरी में आदमी बेच देता है, लेकिन ऐसे नहीं कि उसे चाहिए तो हम बेच दें। अब आप कहीं और खरीदोगे, वहाँ पर किसी और को चाहिए होगा, तो आप क्या अपनी ज़मीन ही बेचते रहोगे हर जगह?
मेरी बात आपको बुरी लगेगी तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं तो जो मन में था वो बोलना चाहती थी। दोनों ने इसकी बात में हाँ करा। माता पिता दोनों ने कहा कि बिटिया जो हमारी गुड़िया है बहू, ये एकदम ठीक कह रही है बेटा, सोच इस बारे में। तुझे जूते का व्यापार नहीं करना मत कर, लेकिन यहाँ से कुछ और करके देख। पापा मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। जो भी करना है तू, मतलब जो तेरे मन में है, तुझे नहीं करना ठीक है, सामान तू कौड़ी का भाव बेच दे, खाली कर दे, लेकिन उसके बाद करेगा क्या? पापा मेरे को ना कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन अभी मुझे एक छोटा सा काम करना है। क्या काम है? अरे एक मेरा फ्रेंड है, उसकी जो मतलब एक पुरानी गाड़ी है ना, वो किसी को दिखाने जाना है। ठीक है जा, लेकिन दिखाने मतलब समझे नहीं हम। अरे एक हमारा और क्लोज फ्रेंड है, उसके किसी रिश्तेदार को ना गाड़ी चाहिए थी, और जितने पैसों की चाहिए थी कि उतने की वो बेच रहा है। तो पापा ने कहा फिर तेरा क्या बन रहा है? नहीं मैं क्या भाई, इतने की गाड़ी है, एग्जाम्पल के तौर पे कि 2 लाख की गाड़ी है, 2 लाख वो दे रहा है। उन्होंने कहा फिर तेरा क्या बच रहा है? भाई अगर तू दोनों पार्टी को जानता है तो दोनों से थोड़ा बहुत जो बनता है वो लेना। मैं समझा नहीं, अब तेरे को उंगली पकड़ कर चलाना नहीं सिखाएंगे, ये तो तुझे खुद करना पड़ेगा। अच्छा पापा मतलब कमीशन? उन्होंने कहा हाँ, दुनिया करती है, ये जितने भी सेकंड हैंड गाड़ियां बेच रहे हैं ये कोई समाज सेवा नहीं कर रहे। कुछ तो ऐसी गाड़ियां बना देते हैं बुलबुल का बच्चा एकदम, जिसे देखकर आदमी नहीं चाहता तो भी ले जाता है कि अरे ये गाड़ी इतनी साफ लग रही है, उसे नहीं पता कि इंजन में कितना झोलझाल है बाबा। और हाँ मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ अगर आप उसी फील्ड से हैं और आप कहो कि नितिन नहीं हर कोई ऐसा नहीं होता, मैंने हर किसी की कहानी यहाँ शामिल भी नहीं करी है, मैंने बस आपको बताया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी ठगा महसूस करता है गाड़ी खरीदने के बाद। कुछ देर रुक जाता, बेहतरीन आ सकती थी, सेकंड हैंड में वो अच्छी गाड़ी मिल सकती थी, मैंने इतने पैसे इसमें गलत लगा दिए, ये सारी बातें सुनिए। और मैं तजुर्बेकार हूँ भाई, मैं जानता हूँ चीज़ें, ठीक है, तो कोई मैं कल तो यहाँ पर आकर सुना नहीं रहा हूँ। मार्केट मैंने भी देखा हुआ है, सेकंड हैंड चीज़ें हमने भी दोस्तों के साथ जाकर खरीदी बेची हैं, तो हमें पता है कि कैसे क्या व्यापार होता है और बाद में क्या क्या समस्याएं आती हैं। वो तो अब बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आ गई कि आपको 6 महीने की वारंटी देंगे, आपको 3 महीने की गारंटी देंगे। गारंटी वारंटी तो देंगे, बट एक बात बताइए, वो जितनी वैल्यू में आपको गाड़ी मिल रही है, अगर वही गाड़ी आपके बराबर वाले ने आपको दी होती तो 20-30% सस्ती मिलती। अब आप कितने बड़े अकलमंद हो ये आप जानते हो। सीधी सीधी बात करता हूँ, घुमा के बात नहीं करता मैं। कभी भी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदनी हो ना, उससे लो जिसे तुम जानते पहचानते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि डीलर पे मत जाओ, ऐसे तो दुकानें बंद हो जाएंगी। जाओ आपकी मर्जी है जाओ, लेकिन छोटा रास्ता अपनाओ तो ज़्यादा बेहतर है। और अपने अगल बगल में गाड़ी ढूंढने में वक्त ज़्यादा लगता है, डीलर तो रोज़ सजा कर खड़ी कर देते हैं। रोज़ बिकती हैं क्या? नहीं ना, समझदार हो। नितिन तू तो पोल खोल रहा है, ऐसे तो डिसलाइक बहुत कर देंगे लोग, तो कर दो भाई। यहाँ परिवार के साथ मैं कहानी सुनाता हूँ, बात करता हूँ, मुझे लाइक डिसलाइक से फ़र्क नहीं पड़ता। आगे सुनो, इसने जैसे पिता की सारी बातें सुनी तो कहा कि ठीक है मैं ऐसा करके देखता हूँ, लेकिन इसने एक अलग तरीके से बात करी। दोनों को आमने सामने बिठाया, दोनों पार्टी को आमने सामने बिठाया, बताया कि ये 2 लाख की बेच रहा है, तू 2 लाख की खरीद रहा है, लेकिन दोनों से मैं 5-5 हज़ार रुपये लूँगा। दोनों हंसते हैं और कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ये तो वैसे भाई चलता है, लेकिन 5 हज़ार थोड़े ज़्यादा नहीं है। उसने कहा मैं तो 10-10 लेता। पापा ने कहा वो तो कि जब तेरे दोस्त हैं तो इतने पैसे नहीं लेने चाहिए। दोनों ने 5-5 हज़ार रुपये दिए। कितनी देर में कमाई इसने? 15 मिनट में। डील होने में 1-1.5 घंटा लग गया, लेकिन काम हो गया। और आज शनिवार है। अभी भी इन्हें इशारे नहीं समझ आ रहे। ये घर आता है, पिता को दिखाता है 10 हज़ार रुपये और कहता है कि मेरे को दोनों तरफ से 5-5 हज़ार रुपये मिले हैं। पापा ने कहा भाई बहुत बढ़िया, तू गाड़ियों का काम क्यों नहीं कर लेता? नहीं मेरे को गाड़ियों की इतनी समझ नहीं है पापा, मैं ऐसे कैसे? अरे ये भी तो तूने काम किया ना, तो अब उस दुकान से काम कर, जैसे सब लोग गाड़ी खड़ी करते हैं ऐसे तू खड़ी कर ले। पापा मैं सोचता हूँ इस बारे में, मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है, और इस काम के लिए तो पैसे भी तो बहुत सारे चाहिए होंगे ना, हम पे इतने अभी हैं नहीं। तो एकदम लड़की क्या बोलती है कि पैसों की आप टेंशन मत लो, पैसे से थोड़ी मदद हम भी कर देंगे, पापा जी भी कर देंगे। तो यहाँ इनके पापा को गुस्सा आ गया, कहते हैं कि गुड़िया रानी आज तो बोल दिया है, लेकिन दोबारा से मत बोलना कि पैसे से आपकी तरफ से कोई मदद हो जाएगी। मुझे गुस्सा आ रहा है और तू मेरी बिटिया जैसी है, मैं डांट भी सकता हूँ, ठीक है दोबारा ये चीज़ नहीं बोली जाएगी। हम पे क्षमता होगी हम करेंगे, नहीं होगी नहीं करेंगे, 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन तुम्हारी तरफ से नहीं आएगा, समझ गए? उसने सॉरी बोला और वो मम्मी के पास जाकर बैठ गई।
अब इसने कहा कि ठीक है पापा, मुझे दो एक दिन का टाइम दो, मैं इस बारे में सोचता हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है। अभी अगले दिन दुकान पर आता है तो फिर तीन चार आदमी सूट वूट पहने आते हैं इसके पास कि आपने क्या सोचा भाई, आपकी दुकान की कीमत इतनी है, मतलब 10 रुपये है, हम आपको 20 रुपये दे रहे हैं। उसने कहा नहीं बेचनी, हम 25 देंगे। अरे नहीं बेच रहा। तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसा है, यहाँ पर रहना थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। तो इसे बड़ा अजीब लगा कि आप मुझे मतलब क्या डरा रहे हो। उसने कहा नहीं डरा नहीं रहे कि हमारी जब गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो आपके ग्राहक कहाँ से आएंगे। गाड़ियाँ खड़ी होंगी, मैं समझ नहीं पा रहा। ऐसा है, यहाँ पर हम सेकेंड हैंड गाड़ियों का शोरूम खोल रहे हैं, तो उसमें एक दुकान आपकी अड़ रही है, तो अगर आप इसे भी बेच देंगे तो अच्छे से एक ऑफिस बन सकता है, बहुत बड़ा, विशाल, अच्छा, बेहतरीन। इसने कहा सेकेंड हैंड गाड़ियों का काम, यानी कि इसकी तो दुकान शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। सॉरी, मेरे को हंसी आ गई, लेकिन आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, सेकेंड हैंड गाड़ियों का काम पहली बार सुन रहे हो क्या। उसने कहा नहीं नहीं आप करो, लेकिन मैं दुकान नहीं बेच रहा। बात ही खत्म हो गई जी कि दोबारा आप दुकान पर इस विषय को लेकर मत आइएगा। जूते चप्पल खरीद रहे हैं तो हाँ मैं बेच रहा हूँ, लेकिन दुकान नहीं बेचूंगा। इसने सीधा घर आकर पिता को बताई। रात में जब दुकान से ये घर आया, पिता ने कहा कि लो, इन लोगों को पता कैसे चल गया कि हम इसी काम को शुरू करना चाहते हैं। तो माँ ने कहा कि अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, वो इतने बड़े लोग हैं जैसे तू बता रहा, सूट वूट में आ रहे हैं और वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदेंगे और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होंगी, तो तू अगर गाड़ी बेचेगा तो तेरे से लेगा ही कौन। पिता ने कहा कि हाँ, लेकिन अगर ये कुछ हमारे कहने से करे तो हो सकता है इसकी गाड़ियाँ बिके। मैं समझा नहीं पापा, क्या क्या कह रहे हो आप। तो शनिवार को ये डील करके आया था गाड़ी का, हाँ, और माँ ने बताया था कि पंडित जी ने तेरे को कहा है कि शनि देव की पूजा करा कर, तेरे पर शनि की दृष्टि अच्छी है। हाँ पापा, तो तू शनि देव का नाम लेकर गाड़ियों का काम कर, और मैं कह रहा हूँ तेरी गाड़ियाँ चलेंगी भाई, लोहे का व्यापार है। तो पापा मैं देखो नहीं जानता, मुझे कील बेचनी नहीं आती, ठीक है, मैं गाड़ी कैसे बेचूँगा। नहीं नहीं, जो मैं कह रहा हूँ तू उस बात पर ध्यान दे, और हाँ अब तो गाड़ी का ही काम करना है। वो भी गाड़ी का ही काम कर रहे हैं, तुम्हारी मार्केट अच्छी है, तुम्हारी जान पहचान अच्छी है, लेकिन पापा वो बड़े लोग हैं, मैं उनके साथ कैसे कंपटीशन कर सकता हूँ। पापा कहते हैं यहाँ कंपटीशन की बात नहीं, यहाँ किस्मत भी होती है भाई। दिल्ली में आपने देखा है ना, करोल बाग में एक के बाद एक मोबाइल वाले बैठे हैं। अगर ऐसे ही कोई सोच ले वो कि भाई मेरे को यहाँ पर दुकान मोबाइल की करने से क्या फ़ायदा, ठीक है, तो वो तो घर बैठेगा। सबकी दुकान चलती है, सब अपनी लिखवा कर आए हैं, ठीक है, तो किस्मत पर भी बहुत भरोसा करना सही रहता है बेटा। अब इसने अगले शनिवार तक यही डिसाइड करते रहने में सारा समय निकाल दिया कि दुकान मुझे अपनी ये बंद करनी है, मतलब तो मैं गाड़ियों का कैसे करूँगा, पैसे की कलेक्शन कैसे करूँ, कहाँ से लाऊँ, क्या करूँ। ये शनि मंदिर पहुँचा, माँ जी के साथ ही आया है। माँ जी ने तरीका बताया कि आपने कैसे दिया बाती लगाना है और कैसे आपको मतलब उन पर माला अर्पण करनी है, कैसे आपको तेल चढ़ाना है, क्योंकि बहुत से लोगों को, माफ़ी चाहूँगा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं, बहुत से लोगों को शनिदेव पर तेल भी चढ़ाने में प्रॉपर विधि नहीं पता कि शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है, आपको सिर हाथ पैर कैसे, कुछ नहीं है ना, बस गए और माला चढ़ा दी, दिया जला दिया। ये भी श्रद्धा है, ये भी श्रद्धा है, शनिदेव तब भी कृपा करेंगे, और हाँ होती है, आप जब जाओ उनके सामने, ठीक है, जब आप अपना पूरा पूजा आरती कर चुको, ठीक है, उसके बाद ज़मीन पर हाथ लगाइएगा, एक बार मेरे कहने से करिएगा ये वाली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों हाथ ज़मीन पर होने चाहिए, जुड़े हुए नहीं होने चाहिए कि सामने आपने जोड़ रखे, दोनों ज़मीन पर लगाइएगा, ठीक है, धोख देना जानते हो, उसके बाद माथा लगाइए, फिर नाक लगाइए, फिर ठोड़ी लगाइए, फिर माथा, फिर नाक, फिर ठोड़ी, फिर माथा, फिर नाक, कितनी बार बताया मैंने, 7 दफ़े करके देखना, कुछ चीज़ें मैं जानता हूँ। और जैसा बताया ऐसे ही करिएगा, सारे काम करने के बाद जो आप पूजा करते हो अच्छे से करते हो ना, आरती वगैरह सब करते हो ना, बहुत अच्छी बात है। इसने सब कुछ किया और माँ जी ने जैसे बताया, उसके बाद चलते में ये जैसे ही घंटी बजाने वाला था, माँ ने रोक दिया एकदम से कि बहुत से लोग ये बात नहीं जानते बेटा, मैं तुझे बताती हूँ कि जाते में घंटी नहीं बजाई जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, हमें किसी ने बताई है कि शुभ होता है और इससे मतलब ईश्वर को अच्छा नहीं लगता,
लेकिन सब बजाते हैं तो नहीं, आते में घंटी बजाई जाती है, जाते में नहीं। और जाते में जिस तरह से तू जा रहा था, ईश्वर को पीठ भी नहीं दिखाई जाती, चेहरा इसी तरफ रखा जाता है। आप थोड़ा सा क्रॉस हो जाओ और पलट जाओ, इसे कुछ चीज़ें पता चली, भाई पहली दूसरी बार तो मंदिर आ रहा है, है ना। मतलब मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि उनकी तरफ बिना देखे तेल चढ़ाएंगे। अरे प्रभु हैं वो, उनकी कृपा अगर हो गई तो आप ऐसे सिंहासन पे बैठोगे, और काम छोड़ो ये सारी बातें छोटी है, जहां बैठोगे वहां सिंहासन बनेगा। अब बताओ, एक बार मेरे कहे से प्लीज एक बार किसी से पूछिएगा जरूर शनि देव के बारे में। जिस दिन आपको प्रॉपर पूरी नॉलेज हो गई, आप सच में डर कर नहीं, इनसे प्यार में आप मतलब मुलाकात करोगे। खैर ये अपने माँ जी के साथ गया, आशीर्वाद लिया, और जब ये घर आया तो उसके मोबाइल पर एक फोन आ गया। देवाशीष एक काम था भाई। हाँ बोलो ना यार। मुझे सुनने में आया कि तुमने वो गाड़ी दिलवाई थी वहाँ। हाँ क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं यार, लेकिन तूने एक काम अच्छा नहीं किया। मैंने भाई मैंने ऐसा क्या काम कर दिया भाई? जिसे चाहिए थी, जिन्होंने बेचनी थी, उन दोनों की मीटिंग करा दी, और क्या। नहीं तो मुझसे नहीं पूछ सकता था, मुझे भी तो चाहिए थी, मुझसे पूछता तो सही। तूने मुझे कुछ नहीं पूछा और डायरेक्ट, यार मतलब ये, मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ। अच्छा सॉरी यार, तुझे कैसी चाहिए? भाई मुझे ना फैमिली देख बड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए होगी, कुछ हो नज़र में तो बताना, लेकिन वैसी चाहिए। देख इतनी बढ़िया है ना, और इतने कम पैसों में, बाजार में 50,000 ज़्यादा मांग रहे थे लोग, 50,000 ज़्यादा मांग रहे थे। हाँ तू भाई जल्दी से जल्दी करा दे। एक काम कर, मैं तेरे अकाउंट में थोड़ा सा एडवांस भी डलवा देता हूँ प्लीज़। अरे एडवांस किस लिए भाई, कम से कम तेरे पे पैसे आ जाएंगे, तू याद तो रखेगा, पता लगा भूल गया, बड़ा आदमी है तू। नहीं नहीं अच्छा, मैं कल सुबह दुकान जाता हूँ, तेरे को बताता हूँ दो एक गाड़ी। बता मेरे भाई, अब यहाँ ज़रा ध्यान से सुनिएगा बात। माता पिता को सारी बात बताई इसने। अब धर्मपत्नी ने मुस्कुरा कर कहा कि बाबा ने इतनी जल्दी प्रार्थना सुन ली, कमाल ही हो गया। इसने कहा लेकिन पापा मैंने सुना है कि शनिदेव से डर के रहना चाहिए और शनिदेव की बुरी नज़र। अरे भाई देखो 7:30 सभी पे आती है, ठीक है, कोई नहीं बचता उससे, पूरे जीवन में एक बार ज़रूर आती है, लेकिन अगर आप पर कृपा हो गई, ओ हो, फिर तो मैंने जैसे पहले बोला कि जहाँ बैठो वहाँ सिंहासन बनेगा, तो ऐसा ही तेरे साथ हो रहा बेटा, बाबा की कृपा है। और शनि देव ने जब ये मान की तेरी उंगली थाम रखी है तो तू घबरा क्यों रहा है? लगा थोड़ा जोर, कर थोड़ी मेहनत, जा थोड़ा मार्केट में रिसर्च कर, अपने जानने वालों से पता कर किसी पर कोई है। बस ये बात ही कर रहे थे, इनकी डोरबेल बज गई, और ये जो भी हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, ये इतना इत्तेफाकन नहीं हो सकता, ये तो रचित है भाई साहब, ये लिखा हुआ है। डोरबेल बजी, देवाशीष। हाँ ब्रदर, आ रहा हूँ भाई। इनकी गली के पीछे से है ये लड़का, पीछे वाली गली में रहता है। कैसा है मेरे भाई? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे तुम सब कहीं जा रहे थे क्या? हाँ अभी तो फिलहाल एयरपोर्ट जा रहा हूँ, और तेरे से काम है मेरे भाई। हाँ बोलना। वो कोई नज़र में होना तो मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ। ये गाड़ी नई है तो दो साल पहले की बड़ी गाड़ी। हाँ वो ऐसा है ना, मैं फैमिली के साथ US में सेटल हो रहा हूँ, तो हम सारा सामान जैसे जो निकल रहा है वो निकाल रहे हैं, इसके जो मिलते हो ना करा दियो। अरे तो तू किसी से बात कर लेना, इतने बड़े बड़े डीलर हैं, ये तुरंत काम करा देंगे। डीलर बड़े ज़रूर हैं, ये कह रहे हैं कि हम पूछेंगे, हम बताएंगे, 10 का पैसा रोकेंगे, इतने पैसे देंगे, उतने आपके अकाउंट में वहाँ डलवा देंगे। भाई मेरे को ये लफड़े नहीं चाहिए, भले ही तो तुझे चाहिए तू गाड़ी रख ले। नहीं मेरे पास इतने पैसे ही नहीं भाई, महंगी गाड़ी बड़ी गाड़ी। अच्छा तू कितने की बेच रहा है? इसने पैसे बताए। उसने कहा ठीक है तू एक काम कर, एयरपोर्ट से कब तक आ जाएगा? उसने कहा मैं तो अब तुझे कल ही मिल पाऊंगा, क्योंकि मेरा ऑफिस का वहाँ काम होगा। क्यों क्या हो गया? तू कल दुकान आ सकता है सुबह? हाँ हाँ आ जाऊँगा ना। कितने बजे? 11 बजे। बात तय हो गई। अब ये यहाँ से तो निकल गया लड़का एयरपोर्ट के लिए। देवाशीष ने आके घर में सारी बात बताई। माता पिता ने कहा कि लेकिन बड़ी गाड़ी कैसे? मेरे भी किसी दोस्त का फ़ोन नहीं आया था, उसे बड़ी गाड़ी चाहिए। हाँ हाँ तो देखता हूँ ना दोनों की अगर बात हो जाए। भाई साहब पहले आया गाड़ी वाला लड़का इनके दुकान पर, इनके दुकान में इनके काउंटर पर शनिदेव की एक छोटी सी फोटो है, वहाँ आरती वगैरह करते हैं। जुड़ाव हो चुका है, अब थोड़ा
मन में, देखो बाबा मतलब थोड़ी सी कृपा जल्दी कर लो, है ना, वो वाली बात चल रही है। वो लड़का आया, उसने कहा कि हाँ तूने बुलाया था। उसने कहा मैंने किसी को बोला है, वो लड़का तेरी गाड़ी देखना चाहता है और दोनों की मीटिंग हो जाएगी। अरे बहुत बढ़िया यार, फैंटास्टिक, कब आएगा? बस मैंने टाइम यही दिया है। तभी वो लड़का आ गया, वो कहता देवाशीष भाई ये जो बाहर है ये, उसने कहा बैठ तो सही, बात तो कर। नहीं नहीं मेरे बजट से बाहर है भाई। और हाँ ठीक है बड़ी चाहिए, लेकिन ये तो सुपर लग्जरी हो गई गाड़ी, इन्हें बस की बात नहीं है मेरे भाई। तो जो गाड़ी बेच रहा था उसने कहा कि आप कितने में चाह रहे थे? उसने पैसे बताए। उसने कहा देवाशीष ये थोड़े से कम हो गए। देवाशीष ने कहा कि तेरा मन है, अगर तू चाहता है ये गाड़ी लेना, जो पैसे बचे हैं मैं दे रहा हूँ, तू मुझे बाद में दे दियो, तुझे पसंद है भाई, दोनों का नुकसान नहीं होना चाहिए, दोनों मेरे जानने वाले हो, दोनों दोस्त हो, तू मुझे बाद में दे दियो। भाई साहब डील हो गई। लेकिन देवाशीष ने दोनों से क्या कहा कि देखो दोनों दोस्त हो और मेरा कुछ बनना चाहिए। तो उस लड़के ने बिना सुने बिना कुछ आर्गुमेंट के 15,000 रुपये से दे दिए कि मार्केट में भी यार मेरा आना जाना तेल खर्चा ये सब होता ही है, 15 मैंने दिए। अब दूसरे वाले लड़के ने भी कहा कि ठीक है 15 ही मैं दूंगा, 30,000 रुपये। मैं खुल्लम खुल्ला बता रहा हूँ, जो देवाशीष ने बताया वो आपको बता रहा हूँ। वैसे तो डिस्कस नहीं करना चाहिए कि हम किसी की फाइनेंशियल्स यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आप अनुमान लगा लीजिए ठीक है कि हाँ 30 के आसपास, 15 के आसपास, 25 के आसपास। लेकिन आप कहानी को समझिएगा, श्रद्धा देखिएगा। अब यहाँ श्रद्धा इतनी बढ़ गई है कि इसने शनिदेव को ये मानिए कि रात दिन पूजना शुरू कर दिया है और इस पर कृपा भाई साहब ऐसी हो रही है कि ये कील को किले के बराबर में बेच सकता है। समझ रहे हो, कील से किले तक पहुंचा है लड़का और 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर इसका वो नाम चला है कि इंडिया में नहीं बाहर भी डील यही कर रहा है। और हाँ इस नाम से इसकी मोटर्स इसकी कंपनी का नाम नहीं है, इसने कोई बड़ा शोरूम नहीं खोला, ये आज भी उसी जूते की दुकान पर है, ये आज भी जूते चप्पल ही बेच रहा है, लेकिन ये इसका साइड बिजनेस है जो कि इतना प्रॉफिटेबल है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है कि वो जो इनका घर हुआ करता था वहाँ से शिफ्ट होकर एक ये बड़े बंगले में आ चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगा इससे आप अंदाज़ा लगा लिए कि कितना पैसा कमाते हैं सेकेंड हैंड गाड़ी वाले, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। रोटेशन बहुत ज़्यादा है इस लड़के की, एक दिन में 4-4, 5-5 गाड़ियाँ निकाली हैं इसने। इतनी गाड़ी ये जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले हैं ना, जो आपके मोबाइल में ऐप्स होंगी सेकेंड हैंड गाड़ी, वो नहीं निकाल पाते। ये लड़का आज इस मुकाम पर है कि किसी की मदद करने में ये पीछे नहीं हटता। और हाँ बाबा के प्रति ऐसा लगाव है कि आज ये जिस शिखर पर है हर किसी को बताता है कि मुझे शनि देव ने ही यहाँ तक पहुँचाया है, बाकी ज़िंदगी में मुझे क्या करना था पता ही नहीं था। अब इसका जूते वाली दुकान में भी मन लगता है, वहाँ भी ग्राहक से अच्छी बात करता है और माता पिता और धर्मपत्नी को इस पर बहुत ज़्यादा फख्र है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री शनिदेव, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार कहता हूँ कहानियों को कहानी मात्र देखो समझो सुनो, लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन बस एक बात ध्यान रखो, ईश्वर चमत्कार करते हैं, बस आपके आस्था में थोड़ी देर हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।